हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल AS स्टडी टाइम। आज इस वीडियो में हम लोग लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं। ये वो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि 10th और 12th के बाद जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं और जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स की बात की जाएगी जो कि आपको, अगर आप एलिजिबल है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। और ये एक ऐसे स्कॉलरशिप्स है जिसमें अमाउंट गारंटीड मिलते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप की, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, इसकी तरफ से जो स्कॉलरशिप्स मिलता है इसकी। ये स्कॉलरशिप्स क्लास 9 से शुरू हो जाता है। जब बच्चे 9 और 10 में रहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब 9 और 10th के लिए अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप अमाउंट 5,000 करके मिलता है, यानी 9 में भी 5,000 मिलता है और 10 में भी 5,000 रुपये मिलता है। इसके बाद अगर आप 11 और 12 के लिए अप्लाई करते हैं तो 11 में भी जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनको 6,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है और 12th में भी अप्लाई करने से 6,000 रुपये मिलता है, यानी ये स्कॉलरशिप आपको 12,000 रुपये देते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कितना परसेंट होने से ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो अगर आपका रिज़ल्ट 50% है क्लास 9 से लेकर 12th तक, सारे ही कैंडिडेट अगर 50% उनका रिज़ल्ट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको ये अमाउंट मिलता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनके पेरेंट या गार्जियन का इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए, यानी आपका या आपके फादर का मंथली इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये स्कॉलरशिप्स एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ते हैं, कोई भी हार्ड कॉपी जमा कहीं भी नहीं करना पड़ता है। हर साल ये स्कॉलरशिप अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होता है। अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने हैं जिसमें फ़िलअप होते हैं इसके फॉर्म। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.maef.nic.in, जहां पे जा कर के आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप की। अब बात करते हैं दूसरे स्कॉलरशिप की। दूसरा स्कॉलरशिप है स्वामी विवेकानंदा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप स्कीम। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि 10th और 12th के बाद अप्लाई होता है। अगर आप 12th पास हैं और अगर आपका परसेंटेज 75% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 75% अगर आपका मार्क्स है और अगर आप कोई भी स्ट्रीम्स में, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। और इसमें अमाउंट मिलता है, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो पर मंथ आपको 1,000 मिलता है, यानी कि आपको ईयरली एक बार ही पैसा मिलता है, 12,000 रुपये मिल जाता है। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तब भी आपको 12,000 रुपये मिलता है, और अगर आप साइंस लेते हैं तब यहाँ पर आपको 1,500 रुपये महीने मिलता है, यानी स्कॉलरशिप अमाउंट 18,000 रुपये मिलता है। इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप है ये पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को भी मिलता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब आपका परसेंटेज 55% होना चाहिए मार्क्स, और अगर आप 55% मार्क्स के है आपके पास तो ये पर मंथ 2,000 रुपये करके, यानी मंथ ईयरली आपको 24,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है। मतलब अगर आप 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं, आपको वहाँ स्कॉलरशिप मिलेगा। और 12th के बेसिस पे अगर आपका 12th में 75% मार्क्स है तब भी आपको इसका स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको 18,000 रुपये मिलेंगे, कॉमर्स और आर्ट्स लेते हैं तो 12,000 रुपये इसका स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन है जिसके ज़रिए जो है आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। तो एक परसेंटेज है, और दूसरी बात है, दूसरी बात ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी आप बंगाल के ही होने चाहिए तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको माध्यमिक के बाद जो स्टडी है अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना होगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी बोर्ड से हो। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है कि
आपकी गार्जियन का एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, मतलब एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है, अगर आप इन तीनों को फुलफ़िल करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं और इसका जो अमाउंट मिलता है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप किस कौन से टाइम पे फिलअप होता है, तो ये भी एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए। और इस ये फिलअप होने का डेट है सितंबर 2021, ठीक है, सितंबर में ये फिलअप होगा। सितंबर से नवंबर तक का टाइम है जब ये स्कॉलरशिप फिलअप होगा और आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे स्कॉलरशिप की, जो कि वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी की तरफ से मिलता है। ये स्कॉलरशिप क्लास 11, 12 BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर, MA फर्स्ट ईयर, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स में है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप में आपको कंडीशन यही दिया गया है कि आपका रिज़ल्ट 65% होना चाहिए। अगर आपका टेंथ में रिज़ल्ट 65% होता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उर्दू 50% रिज़ल्ट होना चाहिए, उर्दू में 50% मार्क्स होना चाहिए और ओवरऑल आपका 65% रिज़ल्ट होना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया यही है कि इसमें जो मंथली इनकम है, मतलब हर महीने जो इनकम है वो 8,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिनका नहीं होगा उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद जो इसका एक कंडीशन ये है कि क्लास 11 BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर, MA फर्स्ट ईयर, इन सभी में जो है उर्दू मीडियम स्कूल या कॉलेज के जो बच्चे हैं जिनका उर्दू सब्जेक्ट एक होता है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप टेंथ में आपका कोई एक सब्जेक्ट उर्दू है या ट्वेल्थ में एक सब्जेक्ट उर्दू है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो हर ईयर अलग होता है, 3,400 टेंथ के बाद मिलता है, अगर आप ट्वेल्थ के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो 5,400 स्कॉलरशिप होता है। और इसके अलावा उर्दू अकेडमी बुक्स के लिए भी 5,000 रुपये देते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका यही है कि आपको अपना लास्ट फाइनल एग्जामिनेशन जो है उसका मार्कशीट जमा करना पड़ता है और तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका अमाउंट भी हासिल कर सकते हैं। तो ये था तीसरा स्कॉलरशिप हमारा, जो कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से दिया जाता है। ये स्कॉलरशिप अगर आप इसकी क्राइटेरिया में आते हैं तो ये आपको मिलेगा। बात करते हैं हमारे चौथे स्कॉलरशिप, जो कि एक्यश्री स्कॉलरशिप है। ये एक्यश्री स्कॉलरशिप WBMDFC की तरफ से दिया जाता है और इसका स्कॉलरशिप जो है अमाउंट 1100 से 11,000 तक है, मतलब ये अलग अलग इसमें अलग अलग अमाउंट मिलता है, ठीक है। और ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो एरियाज होते हैं इन सबको भी देख करके ही अमाउंट मिलता है। ऐसे नॉर्मली जो इसका अमाउंट है, अगर आप 10th तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2,750 तक मिलता है और इसके बाद ये अमाउंट बढ़ता रहता है, लेकिन वो रीजन को देख करके बढ़ता है। तो इसका अमाउंट 1100 से 11,000 तक है जो कि मिलता है बच्चों को। इसमें कंडीशन यही है कि आप 50% रिज़ल्ट अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सारी कम्युनिटी में से अगर किसी कम्युनिटी में आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, टैलेंट सपोर्ट स्कॉलरशिप, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे चले आते हैं। मतलब अगर आप पोस्ट मैट्रिक 10th के बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका पोस्ट मैट्रिक में चला आएगा, उसके लिए भी सिर्फ 50% रिज़ल्ट चाहिए होता है, ठीक है। टैलेंट सपोर्ट स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि जिनका क्लास 11 में 50% से भी कम मार्क्स आता है। तो ये एक वाहिद ऐसा स्कॉलरशिप है, अक्यश्री स्कॉलरशिप, जो कि 50% से अगर कम भी रिज़ल्ट है आपका क्लास 10 में तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं और आपको इसका अमाउंट भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी ये स्कॉलरशिप PhD कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पैसे देती है, स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। यहाँ पे भी आपको सेम मंथ एनुअल इनकम 2 लाख से कम का होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि नोट करने वाली बात यही है कि एके श्री स्कॉलरशिप उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि सिटीज़न ऑफ वेस्ट बंगाल होंगे। अगर वो वेस्ट बंगाल के हैं तभी उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगा, अदर अगर कोई स्टेट के हैं तो उन्हें एके श्री स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन प्रोसीड्यूर की, ये भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कॉलरशिप है, यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाएंगे तो जाने के बाद आपको स्टेजेस है, फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो भी फील्ड उसमें मांगा गया है उसको रिक्वायर्ड फील्ड उसको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद अपना एप्लीकेशन को सबमिट करना है, फिर आप लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट, ये फॉर्म अगस्त से फिल होना शुरू हो जाता है और पिछले ईयर 2020 में ये फरवरी तक चला था, फरवरी मार्च तक चला था ये फॉर्म फिल हुआ था, तो इसका लास्ट डेट भी कुछ इसी तरीके से 3-4 मंथ का टाइम मिलता है इसको फिल करने के लिए। तो ये थी पूरी जानकारी एकेश्री स्कॉलरशिप की। अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट स्कॉलरशिप की, जिसका नाम है एडुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी। ये एक ऐसी कमिटी है जहाँ से स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन ये स्कॉलरशिप ऑफलाइन में आपको फिल करना पड़ता है, ऑफलाइन फॉर्म मिलते हैं वहाँ स्कॉलरशिप के लिए और आपको ऑफलाइन जा करके फॉर्म लेना पड़ता है और उसको फिल करके जमा करना पड़ता है। इसका कंडीशन यही है कि ये सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स को मिलता है। अगर आप साइंस लेते हैं और आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले तो आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि आपके मैथ्स, फिज़िकल, लाइफ यानी साइंस ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स हैं और इंग्लिश के सब्जेक्ट, इसके परसेंटेज देखे जाते हैं। अगर ऐसे नॉर्मली 80% देखा जाता है रिज़ल्ट, बट 75% to 80%, लेकिन हर ईयर अलग अलग कट ऑफ रखा जाता है, मतलब आपके साइंस ग्रुप के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप 10th के बाद अप्लाई करते हैं तब, 12th के बाद अप्लाई करते हैं तब भी आप फिल कर सकते हैं अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तब। और यहाँ स्कॉलरशिप अमाउंट 10,000 रुपये मिलता है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है, यानी 2,500 रुपये करके आपको 4 बार दिया जाता है और 10,000 रुपये ये स्कॉलरशिप मिलता है। इसका जो ब्रांच है, मतलब जो ये जगह है, वो इंटाली में है, जहाँ पे आपको इसके फॉर्म मिलते हैं, आप वहाँ से फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म ले करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो में जानकारी, लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स की, जो कि आप 10th और 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों ही स्ट्रीम के लिए, या 12th के बाद किसी भी चीज़ पर आप ऑनर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, तब भी आप इसको फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब ये स्कॉलरशिप फिल हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक्स फॉर